वेलकम दोस्तों, स्वागत है द हिंदुस्तानी ट्रेकर के एक और नए ब्लॉग में। मैं साइकिल से काफ़ी सफ़र किया हूँ, 23,800 किलोमीटर का मैंने साइकिल से ट्रैवल किया है। और अभी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ म्यांमार के बारे में, आगे आपको देखने के लिए मिलेगा। तो चलो फटाफट से इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं रिएक्शन वीडियो म्यांमार। अलाउ ही नहीं है, सारी ट्रेनों को इन लोगों ने सस्पेंड कर रखा है, हालात बहुत खराब है। रात को यहाँ पे 8 बजे बाद लोग बाहर नहीं निकलते क्योंकि यहाँ की आर्मी वाले उठा ले जाते हैं भाई। और मुझे भी काफी लोगों ने बोला कि भाई रात को 8 बजे बाद मत निकलना, क्योंकि देखो यहाँ की एकदम शांत है। इधर भी है जो आप लोगों को एकदम शांत सड़कें मिलेगी, मतलब प्राइस सुन के आप लोग चौंक जाओगे। हम लोग आ गए भाई यहाँ के रेलवे स्टेशन पे, मैं बस स्टैंड पहुँच गया हूँ। और भाई जो कैब का ड्राइवर था काफी अच्छा बंदा था यार। अभी मैं हूँ म्यांमार के एक शहर यांगून में, यांगून बोल लो या रंगून बोल लो, हम लोग अभी भी रंगून बोलते हैं, लेकिन 1989 में इसका नेम चेंज हो गया था भाई रंगून से यांगून। आज मेरा तीसरा दिन है यांगून में और बहुत हो गया भाई यांगून में, काफी कुछ घूम लिया। काफी कुछ क्या घूमा यार, हर रोज बारिश हो रही है यहाँ पे। अभी थोड़ी सी धूप निकली है, मुझे यांगून में आने के बाद 3 दिन बाद आज धूप देखने को मिली है यांगून में। और अब मैं यहाँ से जाऊंगा बागान। बागान आप लोगों को पता है पैगोडाज के लिए फेमस है, बागान का पैगोडा पूरी दुनिया में फेमस है। अभी मैं निकला हूँ यहाँ की सड़कों पे और मुझे जाना है यहाँ के रेलवे स्टेशन। एक्चुअली मुझे बागान के लिए रेल पता करनी है, तो चलो हम लोग चलते हैं सबसे पहले रेलवे स्टेशन। यार मैप में मैं देख रहा हूँ तो उस साइड बता रहा है, क्या बात है, रोड बड़ा खाली खाली रोड है। लेकिन आप लोग म्यांमार की सड़कें देखो, एकदम क्लीन है यार। तो अभी मैं चलता हूँ यहाँ के रेलवे स्टेशन, टिकट का पता करता हूँ बागान के लिए। हालांकि अभी मैं मेरे हॉस्टल में जहाँ पे ठहरा हुआ था ना, वहाँ पे वो रिसेप्शन पे एक लड़की थी, वो बोल रही थी कि आप ना बागान ट्रेन से मत जाओ, अभी ट्रेन म्यांमार में बिल्कुल भी सेफ नहीं है। आप लोगों को पता है जो आर्मी है ना, उसने पूरे कंट्री पे कब्जा कर रखा, अभी यहाँ पे आर्मी रूल कर रही है, आर्मी शासन चल रहा है। तो देखते हैं, उन उस लड़की ने बोला तो है कि भाई ट्रेन से मत जाओ, बहुत रिस्की है, कभी भी वॉर वगैरह हो जाता है, कभी भी अटैक हो जाता है। और म्यांमार की ट्रेन है ना भाई काफी स्लो चलती है, जैसे यहाँ से बागान की बस की जर्नी है 2 घंटे की, और ट्रेन से जाओगे तो आप लोगों को लगेंगे 17 घंटे, तो ऑलमोस्ट डबल टाइम लगता है। लेकिन मुझे क्या है यार, यहाँ की ट्रेन जर्नी एक्सपीरियंस करनी थी बस। म्यांमार की ट्रेन के बारे में बहुत सुना था, बहुत स्लो चलती है, ऐसी ट्रेन है वैसी ट्रेन है, बहुत पुराने टाइप की ट्रेन है। तो एक बार चलते हैं ट्रेन स्टेशन और पता करते हैं देखिए क्या सीन है भाई। अभी मैं आ गया हूँ यहाँ पे, क्या बात है, यहाँ पे अच्छी खासी बिल्डिंग्स देखने को मिल जाएगी यार म्यांमार में। ये वाला यांगून सिटी का सबसे बेस्ट पार्ट है, आप लोग ये मान लो, यहीं पे आप लोगों को सारी अच्छी खासी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखने को मिलेगी। और जो भी यहाँ पे बड़े बड़े ऑफिस है ना यांगून के, वो सब कुछ यहीं पे देखने को मिलेंगे आप लोगों को। कल मैं इधर घूम के आया था, आप लोगों ने वीडियो देखा हो तो, हालांकि ये वाली बिल्डिंग वगैरह तो मैंने दिखाई नहीं थी। और अब मुझे जाना है इधर, इधर है यहाँ का रेलवे स्टेशन। मेरी हॉस्टल से मुश्किल से 10 मिनट की वॉक पे ट्रेन स्टेशन था। ये देखो आप लोगों को यहाँ पे रेलवे ट्रैक दिख रहे हैं म्यांमार के, और वो सामने यहाँ का ट्रेन स्टेशन अभी दिखाता हूँ आप लोगों को। तो ये है यहाँ का रेलवे ट्रैक, कुछ लोग शायद वहाँ पे काम कर रहे हैं या वो पैसेंजर है पता नहीं। म्यांमार में आर्मी के शासन के आने के बाद बहुत सारी ट्रेनें बंद हो गई है। म्यांमार का यांगून का सेंट्रल यांगून रेलवे स्टेशन है, तो यहीं से मिलेगी आप लोगों को किसी भी सिटी में जाने के लिए ट्रेन। अभी यहाँ पे भाई सही बताऊँ ना, हालात बहुत ही ख़राब है। मैं ट्रेवल कर रहा हूँ लेकिन मैं ही जानता हूँ, मतलब डर बहुत लगता है यार कहीं भी बाहर जाने से। रात को तो आप लोग निकल ही नहीं सकते हैं यहाँ पे कहीं बाहर। ये मैं आ गया हूँ यहाँ के रेलवे स्टेशन के जस्ट सामने, कुछ आप लोगों को ऐसा नज़ारा दिखेगा। यहाँ पे आप लोगों को ऐसे छोटे छोटे रेस्टोरेंट मिल जाते हैं, सिर्फ छोटे छोटे रेस्टोरेंट या एरिया मैंने यहीं पे देखी है। जैसे यहाँ पे समोसे, छोटे छोटे समोसे देखने को मिल जाएंगे आपको, चिप्स हो गए खाए बहुत ही छोटे छोटे रेड़ी लगा लेंगे या अपने थैले खोल लेंगे। हाइजीन के मामले में तो म्यांमार भी भाई बहुत ही डाउन है, ये मान लो इंडिया भी हाइजीन के मामले में बहुत पीछे है। यहाँ पे अनहाइजीनिक फूड बहुत मिलेगा आप लोगों को, बांग्लादेश भी अनहाइजीनिक फूड आप लोगों को, मतलब हाथ ही रोड पे रहते हैं खाने में। और यहाँ बांग्लादेश में भी वही, यहाँ सॉरी म्यांमार में भी वही सीन है। ये हम लोग आ गए भाई यहाँ के रेलवे स्टेशन पे, उस लड़की फोटो ले रही है। बारिश शुरू हो गई है वापस से यार, यहाँ बारिश से सही बता रहा हूँ मैं तंग आ गया। चलो एक बार रेलवे स्टेशन के अंदर चलते हैं और ट्रेन का पता करते हैं हम लोग। तो
ट्रेन स्टेशन तो भाई इन लोगों ने बहुत ही बड़ा बना रखा है। हॉस्टल में रिसेप्शन पे वो लड़कियां बोल रही थी कि ट्रेन में जाना सेफ नहीं है, और यहाँ ये पता कर रहा हूँ तो भाई बोलते हैं कि ट्रेन में फॉरेनर्स अलाउड ही नहीं है, कि हम लोग अलाउ ही नहीं करेंगे सिक्योरिटी रीजन से, क्योंकि ट्रेन बहुत स्लो चलती है, यहाँ पे रुक रुक के चलती है, तो अटैक वगैरह होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मैंने बोला चलो कोई ना भाई, अब चल के बस लेंगे हम लोग यहाँ से। और वहाँ पे एक आर्मी वाला बंदा है, वो मेरे को घूरे जा रहा है यार। वहाँ पे कुछ आर्मी वाले बंदे आ गए थे यार, इसलिए मेरे को कैमरा बंद करना पड़ा। हॉस्टल जाऊँगा, वहाँ से ऑनलाइन बस बुक करवाऊँगा, बस लेके मैं जाऊँगा बागान पगोड़ा देखने के लिए। म्यांमार के सिनेमाघर दिखाता हूँ आप लोगों को, तो यहाँ के सिनेमाघर कैसे होते हैं। तो सामने आप लोगों को दिख रहा है, ये है यहाँ का सिनेमाघर, और ये देखो बुद्धिस्ट मॉन्क बच्चे यहाँ पे सारे के सारे। शायद ये गाड़ी कहीं भर के जा रही है। हेलो, देखो सारे के सारे बुद्धिस्ट मॉन्क बच्चे हैं, ये गाड़ी भर के शायद कहीं जाएगी इनकी, ऐसे लग रहा है मेरे को। चलो यहाँ का सिनेमा दिखाता हूँ आप लोगों को तो यार। और यहाँ पे कोई मूवी लगी हुई है, मूवी का नाम तो बर्मीज लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो नाम तो मैं पढ़ नहीं सकता। देखो 10:30 से 4:30 के बीच में शो चलता है। मैं जो अभी वापस से हॉस्टल आ गया हूँ, और अभी मैंने यहाँ पे रिसेप्शन से बुक करवा लिया। अरे यहाँ पे एक वेबसाइट है mmbustticketbooking.com। यदि मैं ऑनलाइन पे करता तो आप लोगों को पता है मेरे को ऑफिशियल रेट के हिसाब से पे करना पड़ता, तो मैंने इन्हीं से ऑनलाइन पे करवाया है, और मैंने इनको कैश दे दिया है यहाँ की लोकल करेंसी, जो कि होती है 34,000 कैट मैंने पे किए हैं यहाँ से बागान तक के लिए। तो 34,000 कैट वही हो जाता है यार, यदि ऑफिशियल रेट की बात करो तो $10 के लगभग, और ब्लैक रेट की बात करो तो वही हो जाता है $7-8 के लगभग। तो वही मेरे को लगभग 500-600 रुपए पे करने पड़े हैं टोटल, मोटा मोटी। यानी यहाँ पे एक प्राइस का लपड़ा हमेशा ही चलता रहता है, यहाँ पे एक ऑफिशियल प्राइस अलग है, ब्लैक मार्केट की प्राइस अलग है, और ये जो कैलकुलेट करते हैं ना, जो पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं वो प्राइस अलग है। तो इसका कन्फ्यूजन चलता ही रहेगा पूरी ट्रिप में। 6:30 बजे मेरी बस है, और अभी शाम के 4:15 बज गए, अब मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। टैक्सी ले लिए, एक्चुअली जहाँ से मेरी हॉस्टल है ना वहाँ से बस स्टैंड है 24 किलोमीटर, पूरे सिटी को पार करने के बाद लगभग 1.5 घंटा लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक है। और ये भाई है, हाय ब्रदर, हाय, हाउ आर यू, गुड, वेरी गुड, नाइस टू मीट यू, व्हाट्स योर नेम? या मिस्टर येते, येते, या या, ओके, फॉर्मर टीम है, ओके, आई बीन इन कोचीन लास्ट 15 इयर्स अगो, यू वेंट टू कोची, इंडिया, इंडिया, यस, लास्ट ईयर, लास्ट ईयर, लास्ट 15 इयर्स, ओके, 15 इयर्स अगो, आई एम रिटायर्ड फ्रॉम सीमेन, ओके ओके। भाई ये जो 15 साल पहले कोची गया था भाई घूमने, कम अगेन? Yes, I have tried again. Yeah, you'll try. I never forget the when I at the coaching, I ate the biryani. Biryani. Yeah, you like biryani. Yeah, yeah, very nice. भाई ये जो बिरयानी बहुत पसंद है यार कोच्चि की, but हैदराबादी बिरयानी is famous all around the world. हैदराबादी बिरयानी. Exactly. Yeah, yeah. और लगभग ये मान के चलो कि 10 से 11 घंटे की अपनी बस जर्नी होने वाली है, सुबह हम लोग पहुंचाएंगे बागान। तो आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ की म्यांमार की बस जर्नी, और सड़कें तो आप लोगों को पहले कई बार दिखा चुका, सड़कें एकदम रैपचिक है भाई म्यांमार की, बहुत ही ब्यूटीफुल है। मैं म्यांमार के डाउनटाउन एरिया में रह रहा था, ये मान लो कि वो सिटी सेंटर था, तो सिटी सेंटर तो काफी पुराना पुराना था, और यहाँ पे थोड़ा सा बाहर निकला ना भाई, तो ये तो काफी डेवलप्ड भी, ऐसा नहीं है यांगून डेवलप्ड नहीं है। और मजे की बात यह है, पता है कि कैपिटल यांगून नहीं है, नेपिडो है, मैं शायद पहले पता नहीं बताया था, नहीं बताया था, लेकिन कैपिटल यांगून को होना चाहिए, नेपिडो में ऐसा कुछ है नहीं, वहाँ पे तो बस ऐसे ही जबरदस्ती की बड़ी बड़ी सड़कें बना दी। शायद मेरा नेपिडो जाना हुआ ना, तो मैं आप लोगों को नेपिडो भी दिखाऊंगा। बस स्टैंड पहुंच गया हूँ, और भाई जो कैब का ड्राइवर था काफी अच्छा बंदा था यार, लोग यहाँ पे काफी फ्रेंडली मिल जाएंगे। और आज देखो मेरी किस्मत, जब मैं यांगून को छोड़ के जा रहा हूँ ना, तो वेदर एकदम साफ हो गया, सामने देखो धूप निकली है, बसें वगैरह तो यहाँ पे ठीक ठाक ही देखने को मिली मेरे को, और ये वाली बस जाएगी शायद, मुझे ऐसे लगता है। एक बार पूछ लेता हूँ यार कौन सी बस जाएगी, सामान थोक के भरा है, ऑलरेडी लोग आके बैठे हैं, थोड़ा सा टाइम बचा है, तब तक मैं खाना ही खा लेता हूँ यार यहाँ पे। Can I get rice, fried rice? This is for us, Chinese Jama food. ये एक फ्राइड राइस ऑर्डर किया है यहाँ का लोकल म्यांमार का फ्राइड राइस, और एक सलाद वगैरह आया है, तो मैं फटाफट खाता हूँ, मेरे
पास मात्र 20 मिनट बचे हैं। ये आप लोग देख लो, एसी बस है, मैं शॉर्ट्स पहन रखे हैं मैंने, मेरे को लगता है कि मेरा जींस निकालना पड़ेगा। तो एसी इतने तेज चला रखे हैं ना कि रात को आप लोग सो भी नहीं पाओगे, ढंग से बैठ भी नहीं पाओगे। ये वाला मेरा सीट है F3 हुआ यार, सीटें तो एकदम जबरदस्त था। आप लोग सीटों को सोने के लिए फैला भी सकते हो। और ये साइड वाला सीट है ना भाई, फुल थे सारे के सारे। जब मैंने वहाँ हॉस्टल से बुक करवाए थे ना ऑनलाइन, तो साइड वाले सीट सारे के सारे फुल थे। यहाँ से बागान है जो 650 किलोमीटर है। आप लोग तो फैसिलिटी देखो यार इनका, पानी का बोतल दिया है भाई, कचरा डालने के लिए थैली दिया है, यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट दिया है, फ्री वाईफाई दिया है, एकदम ये कह सकते हो कि लग्जरी बस है। शाम के 11 बजे है और यहाँ पे कोई रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए रोके हैं? यहाँ पे काफ़ी सारे रेस्टोरेंट है, एक ही रेस्टोरेंट नहीं यार, कुछ 4-5 रेस्टोरेंट है, मुझे लगता है 4-5 से भी ज़्यादा ही होंगे। एक ही हो गया, एक इसके पीछे है, एक उधर हो गया, और ये सामने काफ़ी बड़ा कोई बस स्टैंड भी है। ये देखो मॉन्क जा रहे हैं, बुद्धिस्ट मॉन्क जा रहे हैं, बहुत सारी बसें खड़ी है, बस आ रही है। न्यू एक्सक्लूसिव कोच, एक बस वो खड़ी है, एक बस ये खड़ी है, लेकिन म्यांमार की बसें काफ़ी ज़बरदस्त है यार, काफ़ी लग्जरी है ये मान लो, और हमारी वाली बस ये रही। तो यार वैसे तो मेरा कुछ खाने का मन था नहीं, लेकिन फिर मैंने सोचा यार बस वाले ने रोका ही है, तो कुछ तो खा ही लेते हैं। तो मैंने एक केक टाइप का कुछ ऑर्डर किया था, सोचा म्यांमार का केक ट्राई करते हैं, तो मुझे इतना कोई खास ज़्यादा अच्छा लगा ना, केक का टेस्ट है और ये एक चाहिए। गुड मॉर्निंग गाइज, अभी मैं पहुंच गया हूँ बागान के बस स्टैंड पे, और यहाँ से बागान है ना यार लगभग 10-12 किलोमीटर दूर है, तो बसें यहाँ पे पता है सिटी से बाहर ही छोड़ देती है आप लोगों को। ये देखो ये यहाँ का बागान का बस स्टैंड कुछ ऐसा है, सुबह सुबह की हलचल कुछ ऐसी है। वो मेरे दो बैग पड़े हैं, और ये यहाँ पे आप लोगों को ये साइका दिख जाएगा, ये साइका बोलते हैं इसको, साइका बोल साइका दो यहाँ बिठा देंगे, एक वहाँ पीछे लटका देंगे, तो इसमें बहुत सारी सवारियाँ लटका देते हैं। ये तो है यार, यहाँ पे ना आप लाइक चाहे से फॉरनर हो या चाहे से लोकल हो, आप लोगों से और प्राइस चार्ज नहीं करते हैं, ये सेम प्राइस चार्ज करेंगे आपसे, लोकल से और फॉरनर से। तो ये मुझे यहाँ पे बर्मीज लोगों का अच्छा लगा भाई। योर नेम ब्रदर? माय नेम इज मिमिन। ओके, भाई का नाम मिमिन है, भाई की वो टैक्सी है, तभी मैं टैक्सी लेके और न्यू बागान जा रहा हूँ। भाई बात ऐसी यहाँ पे ओल्ड बागान और न्यू बागान, ओल्ड न्यू बागान से ओल्ड बागान है ना जो लगभग 5 किलोमीटर है, और आप लोगों को जो पगोड़ाज वगैरह देखने को मिलेंगे ना वो ओल्ड बागान में देखने को मिलेंगे। पगोड़ा वहाँ का सनसेट भाई अमेजिंग है। होपफुली आज यहाँ पे वेदर तो है ना एकदम क्लियर है कि शाम तक ना क्लाउडी वेदर ना हो, और मैं अच्छे से यहाँ के पगोड़ाज देख सकूँ, सनसेट देख सकूँ। बागान का बस स्टैंड भी आप लोगों को दिखाई दूँ, देखो वहाँ पे लिखा है बागान मिनथार एयरकॉन एक्सप्रेस। वेदर काफी अच्छा हो रखा है, सही बताऊँ तो वहाँ का वेदर इतना अच्छा था नहीं, वो क्या यांगून का। बर्मीज लोग है अच्छे वैसे, नो डाउट बर्मीज लोग बहुत अच्छे हैं भाई, दिल के बहुत अच्छे होते हैं। आप लोग फॉरनर हो या लोकल हो, आप लोगों से सेम प्राइस चार्ज करेंगे। तो चलो यार यहाँ पे मैंने एक हॉस्टल देखा है न्यू बागान में, तो वो लगभग यहाँ से 9-10 किलोमीटर दूर बता रहा है भाई, और मैंने मैप में चेक किया तो वही इतना लगभग 10 किलोमीटर के दूर है। तो भाई मेरे से 12,000 चार्ट लेगा, तो ऑफिशियल प्राइस की बात करें तो वो होते हैं 480 इंडियन रुपीज, और ब्लैक की बात करें तो वो होते हैं 240 इंडियन रुपीज। कहीं आप लोग जाओगे भाई बांग्लादेश देख लो, इंडिया देख लो, या फिर और भी बहुत सारी कंट्रीज देख लो, वहाँ तो लूट मचा के रखते हैं, क्या बताऊँ बहुत लूट मचा के रखते हैं। इवन थाईलैंड में भी, थाईलैंड में टुकटुक वाले होते हैं ना भाई, उनका किराया होता है 10 बात 20 बात, वो 100-100 बात चार्ज कर लेते हैं। सेम राजस्थान वाली फीलिंग आ रही है भाई, हमारे जयपुर में राजस्थान में ऐसी सड़कें होती है, ऐसे ही सड़क के आजू बाजू में पेड़ और खेत वगैरह होते हैं, सेम वही फीलिंग आ रही है इंडिया वाली, राजस्थान वाली।
टाइप का दिख रहा है मेरे को यहाँ पे। ये वाला जो सीन है ना, इस वाले सीन ने तो मेरे को वहाँ की याद दिला दी मेडागास्कर की। मेडागास्कर में ऐसे ही बैल होते थे, हालांकि वहाँ की बैल थोड़े से कमजोर होते थे, यहाँ के बैल थोड़े हट्टे कट्टे हैं, और ऐसे ही बैलगाड़ियाँ बहुत चला करती थी मेडागास्कर में। मैं जा रहा था, देखो सनराइज हो रहा है सुबह सुबह, और ये बैल जा रहे थे, तो मैंने सोचा ये गाड़ी वाले को बोला यार एक बार रोक, ये यहाँ पे गाड़ी रोक के, और मैं रिकॉर्ड करने लग गया। और ये देखो यहाँ की नंबर प्लेट ऐसी होती है टोयोटा कोरोला। लेकिन यहाँ पे सड़कें देखो यार, सड़कें आप लोगों को सभी जगह बहुत जबरदस्त मिलेगी म्यांमार में। यहाँ पे देखो आप लोगों को पगोड़ा और स्तूपाज का झलक देखने को मिल जाएगा भाई। दिस इज स्तूपा एंड टेम्पल। तो भाई ऐसे बहुत सारे दिखाने वाला हूँ आप लोगों को, मजा आएगा ऐसे लग रहा है बागान को एक्सप्लोर करने में। आई थिंक 2 दिन देना पड़ेगा, मैं 1 दिन का सोच के आया था बागान का, मुझे ऐसे लग रहा है कि 2 दिन देना पड़ेगा मुझे बागान में। अभी मैं हॉस्टल में चेक इन कर रहा हूँ। वाईफाई पासवर्ड, ओके। जनरेटर टाइम, ओके। And also that is our check-in in 2 p.m. check-out 11 a.m. Yes, okay. Also including the breakfast. It's 6:30 a.m. to 10 a.m. Okay. Yeah. Okay. Right. So today my breakfast is not included, right? Yeah. Tomorrow it will be included. Yeah. KK. Yeah. My name is Kailas. Ah, Kailas. Yes. Nice to meet you, KK. तो ये यहाँ पे रिसेप्शन पे है भाई, ये मेरे को रूम दिखा रही है। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी सुबह के 11 बज गए और मैं यहाँ पे तो वैसे 5:30 बजे आके पहुँच गया था, 5:30-6 बजे आके पहुँच गया था हॉस्टल में। और भाई मेरे लिए अच्छा ये हुआ कि इन्होंने मुझे 6 बजे चेक इन दे दिया, वरना इनका चेक इन टाइम है 2 बजे का। और यार रात में तो भाई क्या बताऊँ, बहुत बक्केती हुई, हर कदम कदम पे आर्मी वाले बस को रोक रहे हैं, हर बंदे का आईडी चेक कर रहे हैं। और मैं मोबाइल यूज़ कर रहा था, मेरे को बिल्कुल मना कर दिया कि भाई पूरे रास्ते में मोबाइल यूज़ नहीं करेगा। अब यहाँ पे हालात तो कुछ ज़्यादा ही ख़राब है, मुझे रात में एहसास हुआ। और पता है एक चीज़ और, यहाँ पे जो भी बस वाले हैं ना सारे, उसमें से कुछ 1-2-3 बस ऑपरेटर है ना, वही केवल फॉरेनर्स को अपनी बस में अलाउ करते हैं, बाकी अलाउ ही नहीं करते हैं फॉरेनर्स को। ट्रेन का तो आप लोगों को बताया था, ट्रेन में तो फॉरेनर्स अलाउ ही नहीं है। जैसे मैं कल वहाँ पे रेलवे स्टेशन पे गया था तो उन्होंने बोला भाई फॉरेनर्स अलाउ नहीं है ट्रेन में। उसका ये रीज़न है कि ट्रेन ना सुनसान रस्तों से आती है। अब यहाँ पे अभी आर्मी का शासन चल रहा है और आर्मी के अगेंस्ट भी बहुत सारे गुट हैं, बहुत सारे जो लोग हैं ना, बहुत सारे गुट ऑपरेट कर रहे हैं, वो लोग ना अटैक कर देते हैं भाई, कभी भी अटैक कर देंगे। और ट्रेन पूरी खाली जाती है, कभी कभी तो ये होगा कि पूरे डिब्बे में आप केवल अकेले हो, तो और भी ज़्यादा रिस्की हो जाता है। तो अभी जो गरीब लोग हैं ना, जो जिनके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं होता, क्योंकि म्यांमार में है ना जो ट्रेन बहुत ही सस्ती है अभी, तो जो गरीब लोग हैं ना जिनके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं होता, वही केवल ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं। और सारी की सारी ट्रेनें सस्पेंड है कुछ मुश्किल से दिन में। जैसे यांगून से बागान के लिए पहले 2-3 ट्रेन चला करती थी, 3-4 ट्रेन चला करती थी दिन में, अब केवल 1 ट्रेन चलती है सुबह से शाम तक। तो सारी ट्रेनों को इन लोगों ने सस्पेंड कर रखा है, हालात बहुत ख़राब है। रात को यहाँ पे 8 बजे बाद लोग बाहर नहीं निकलते, क्योंकि यहाँ के आर्मी वाले उठा ले जाते हैं भाई आर्मी में लड़ाई करने के लिए। यहाँ की गवर्नमेंट ने यहाँ के लोगों के लिए मैंडेटरी कर दिया कि भाई 35 साल तक के जो भी मेल हैं और 27 साल तक के जो भी फीमेल है, उनको 2 साल आर्मी में देना ही देना है। और मुझे भी काफ़ी लोगों ने बोला कि भाई रात को 8 बजे बाद मत निकलना, क्या पता, वैसे फॉरनर्स के लिए इतनी दिक्कत है नहीं, लेकिन फिर भी बोला कि क्या पता तुम्हें भी उठा ले जाएँ। बाकी लोगों को तो उठा उठा के ले जा रहे हैं रात में, जैसे कोई सड़कों पर दिख गया या फिर कोई ऐसे डोलता हुआ घूमता हुआ दिख गया ना, उसको उठा ले जाते हैं और बोलते हैं चल भाई लड़ आर्मी के लिए। ऐसा कुछ सीन है। अब मैं मेरे एक बार हॉस्टल दिखा देता हूँ और फिर हम लोग दूसरे वीडियो में जाएंगे, इस वीडियो में नहीं, दूसरे वीडियो में हम लोग जाएंगे पगोड़ा को घूमने, क्योंकि बागान, मेरे को बागान सिटी बहुत अच्छा लगा, एकदम पीसफुल सिटी है भाई। सड़कें देखो यहाँ की एकदम शांत है, इधर भी है जो आप लोगों को एकदम शांत सड़कें मिलेगी, एकदम पीसफुल क्वाइट सिटी है। और ये जो मेरा हॉस्टल है, ये वाला मेरा हॉस्टल है, हॉस्टल बड़ा जबरदस्त है, काफ़ी अच्छा है। आप लोगों को दिखा देता हूँ एक बार हॉस्टल और फिर प्राइस बताऊँगा, प्राइस सुन के आप लोग चौंक जाओगे। ये देखो यहाँ पे बार वगैरह सब मिल जाएगा, पूल वगैरह, और आसपास भी शायद मुझे लगता है ये भी कोई हॉस्टल ही है, पता नहीं, लेकिन मैं ऑनलाइन चेक कर रहा था ना तो मुझे यही सबसे सस्ता मिला। ये देखो ऊपर भी शायद कुछ है, तो एक बार हॉस्टल का चेक टूर दे देता हूँ आप लोगों को। ये तो हो गया रिसेप्शन, मैं सबसे पहले डोरमेट्री बेड दिखा देता हूँ। इसमें डोरमेट्री बेड में 10 डोरमेट्री बेड है, ये देखो इसमें रह रहा हूँ मैं, ये वाला बेड दिया है मेरे को, मेरा नाम भी लिख दिया कैलाश, ये क्या है, चेकआउट
अच्छा सुबह 5:30 बजे चेकआउट करना, अच्छा ऐसा है क्या, 5:30 बजे चेक इन दिया तो 5:30 बजे चेकआउट भी करना, कोई ना। और ऐसा कुछ ये हॉस्टल है जिसमें केवल एक बंदी है और कोई भी नहीं है, अभी यहाँ पे टूरिस्ट आ ही नहीं रहे हैं, फॉरेनर तो कोई भी नहीं आ रहा है यहाँ पे, मैं अकेला फॉरेनर हूँ। हॉस्टल का कलर भी इन लोगों ने बहुत ही अच्छा कर रखा है, हर रूम को ना अलग अलग कलर कर रखा है इन लोगों ने, जैसे ये अलग कलर कर रखा है, ये अलग कलर कर रखा है, फिर अगले वाले को अलग कलर में रंग रखा है, फिर ये हो गया यहाँ का पूल हॉस्टल का, और उधर भी अच्छा खासा एनवायरमेंट अच्छा खासा लग रहा है मेरे को। लेकिन अभी यहाँ पे कोई टूरिस्ट ही नहीं आते हैं, तो कोई अभी तो ये मान के चलो कि मेंटेनेंस का खर्चा है ना, वो खुद की जेब से पे कर रहे हैं ये सारा का सारा। अब इतने बड़े हॉस्टल को मेंटेन करने के लिए यार कम से कम 5-7 वर्कर की जरूरत तो होती होती है, तो सारा पैसा खुद से पे कर रहे हैं। अब ऑफिशियल जो इस हॉस्टल का प्राइस है वो है 640 इंडियन रुपीज, लगभग 16,000 मैंने कैश दिए है, और ब्लैक मार्केट से उनको कन्वर्ट करें तो वो हो जाते 320, तो मैं तो ब्लैक मार्केट के हिसाब से ही दे रहा हूँ ना, मैंने तो ब्लैक मार्केट में एक्सचेंज करवाए, तो मैं 320 इंडियन रुपीज पे कर रहा हूँ इस हॉस्टल का इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट। और यहाँ पे ब्लैक मार्केट चलता है वो मैं पहले बता चुका वीडियोज में किया, और आगे सारे के सारे आप लोगों को रूम ही रूम मिल जाएंगे। ओल्ड बागान न्यू बागान तो है, मतलब पहले ओल्ड बागान ही हुआ करता था और अब न्यू बागान भी इन लोगों ने बना दिया, मतलब न्यू बागान भी एक सिटी बन गया छोटा सा। तो अगले वीडियो में हम लोग जाएंगे यहाँ के पैगोडा को घूमने, ओल्ड बागान न्यू बागान को एक्सप्लोर करेंगे, यहाँ के मार्केट्स वगैरह एक्सप्लोर करेंगे और भी काफ़ी कुछ चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो में, आई होप ये वाला वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर। थी म्यांमार की जर्नी, हमने काफ़ी बढ़िया जो है म्यांमार को एक्सप्लोर किया, लेकिन ये एक रिस्की काम है, काफ़ी रिस्क है यार, अभी वहाँ पे आर्मी का शासन चल रहा है और उसमें वो ट्रैवल कर रहे हैं, तो रिस्क तो है, बस यही कहेंगे कि थोड़ा सेफली वो जो है ट्रैवल करे। तो फिर मिलेंगे नए ब्लॉग में किसी नए रिएक्शन वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।